नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सोहागपुर के चिड़ियाघर की। जैसे कि आपने थंबनेल में तो देख ही लिया होगा कि हमारा सोहागपुर में भी चिड़ियाघर है, तो इसके लिए सबसे पहले सोहागपुर का चिड़ियाघर देखने के लिए आपको सोहागपुर आना पड़ेगा। आप सोहागपुर खुद से भी आ सकते हो, एरोप्लेन से आ सकते हो, बस से आ सकते हो, और यदि आपके पास प्राइवेट जेट है तो आप हेलीकॉप्टर से भी आ सकते हो। तो इसके लिए सबसे पहले हमें चिड़ियाघर के लिए रवाना होगा, तो आप घर में कुछ भी बोल के निकल सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं सैर हमारे चिड़ियाघर की। तो आपने देखा कि चिड़ियाघर इस प्रकार की जगह होती है जहाँ पर तरह तरह के आपको जानवर देखने को मिलेंगे, तरह तरह के, जैसे कि भालू हो गया, शेर हो गया, चीता हो गया, बिल्ली हो गया, चिड़िया हो गई, अलग अलग टाइप की चिड़िया हो गई, तोता हो गया, अलग टाइप का तोता हो गया। तो जितनी भी चीज़ें रहती हैं सब आपको चिड़ियाघर में देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पे पहुँचने के लिए आपको सबसे पहले एक चीज़ करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको भी पता है कि सोहागपुर में चिड़ियाघर होना कितनी बड़ी बात होती है। एक ये बहुत बड़ी चीज़ है हमारे सोहागपुर के लिए, एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि हमारे सोहागपुर में चिड़ियाघर है। और एक घर नहीं है, बहुत सारे घर है जहाँ पे चिड़िया रहती हैं। तो हमें तो इसी में काम चलाना पड़ेगा कि हमारा सोहागपुर में सिर्फ चिड़ियाघर है, जहाँ पे जो चिड़िया होती है घोंसला बनाती है, वही चिड़िया का घर होता है, उसी का घर संसार होता है, उसमें चिड़िया अंडे देती है। बस हमको इसी में रह के खुश रहना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक जो ऑफिशियल चिड़ियाघर होता है जहाँ पे बहुत चीते जानवर रहते हैं, वो अभी तक हमारे मार्केट में आया नहीं है। तो इस प्रकार की बहुत सी जानकारी हम लेके आते रहेंगे। तब तक आप देखते रहिए, जुड़े रहिए हमारे पेज के साथ, और लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए, क्योंकि मैं स्टार्टिंग में सिर्फ काम काम की बातें करता हूँ, सब्सक्राइब वगैरह की बात बिल्कुल नहीं करता। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप हमारी बात को समझेंगे, इस वीडियो को आगे लेके जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।